और आज का हमारा स्कॉलरशिप का बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टूडेंट काफी परेशान होते हैं कि जब ये समस्या आती है तो कैसे आप सॉल्व करें, तो आपका टॉपिक बता दें, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, ये लिख के आता है। आप ध्यान से सुनिएगा, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। हम लोग करेक्शन जब चेक करते हैं सिंपली, तो बहुत से स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म में ये समस्या आती है। तो ये समस्या आपको बता दें क्यों आती है। पहले तो दोस्तों ध्यान देना, जब हमारा रिजल्ट आता है तो मान लेते हैं कि कभी कभी एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया और स्कॉलरशिप की डेट आ गई, हम लोग फॉर्म जल्दबाजी में भर देते हैं और वहां पे लिख देते हैं प्रमोटेड, या प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, या प्रमोटेड करके ऐसे फॉर्म भर देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साल का पूरा नंबर जोड़ के नहीं भरते हैं स्कॉलरशिप में। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म की डेट रहती है और वहां फॉर्म भरना जल्दी रहता है। तो इस रीजन के कारण जो हमारा एनरोलमेंट रोल नंबर यूनिवर्सिटी नॉट अपलोडेड रिजल्ट लिख के आता है, यही इसका दिक्कत है, यही प्रॉब्लम होता है कि जब हम अपना दोनों सेमेस्टर का नंबर जोड़ के नहीं भरते हैं। अगर हमारा रिजल्ट बिफोर आ जाए और हम दोनों सेमेस्टर का अपना नंबर जोड़ के भरे हैं तब दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कभी कभी अगर हम पूरा दोनों सेमेस्टर का नंबर जोड़ के भी लिखे हैं, गत वर्ष का रिजल्ट, आप समझिएगा, गत वर्ष का रिजल्ट मतलब पिछली कक्षा का हम लिखे हैं जोड़ के, फिर भी कभी कभी कुछ स्टूडेंटों के स्कॉलरशिप करेक्शन में ये समस्या आती है। तो आपको करेक्शन चेक करना है, ये समस्या आती है तो कैसे हल करना है, इसी के आधार पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। आप स्किप मत करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपना करेक्शन कैसे चेक करना है। आप सरकारी रिजल्ट खोलिए और स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करिए। उसके बाद जब स्कॉलरशिप वेबसाइट ओपन हो जाए दोस्तों, तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, फॉर्म आपने भरा था, आपने पासवर्ड बनाया था और आपका डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, ये डाल के आपको पुनः से अपना फॉर्म खोलना है और चेक करना है। क्योंकि इस समय, इस साल कह लीजिए, इस साल स्टेटस या करेक्शन चेक करना बड़ा कठिन है। पिछले साल तो बड़ा आसान था, लेकिन इस साल करेक्शन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि स्टूडेंट आसानी से चेक कर सके। आपको चेक करने का यही एक तरीका है आसान, जो मैंने अभी बताया कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोल के आप लोग, सभी लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल के बार बार चेक करना है। एक दिन हो गया, 4-5 दिन बाद और चेक करिए, एक हफ्ते बाद चेक करिए, कहीं करेक्शन आया तो नहीं है। आपको स्वतः चेक करना है कि करेक्शन आपका आया तो नहीं है। अगर करेक्शन आ गया तो संशोधन कर लीजिए। और करेक्शन की जो डेट होती है दोस्तों, वो आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे लगा रहता है। अभी करेक्शन आया था, अभी करेक्शन बंद हो गया है, लेकिन फिर करेक्शन ओपन हो जाएगा। तो जो लोग करेक्शन कर चुके हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो भी अलर्ट रहे भाई। जैसे करेक्शन खुले अपना करेक्शन कर दीजिएगा। कॉलेजों में लिस्ट भी करेक्शन की आ चुकी है, जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं अपने कॉलेज में पता कर लेंगे, आपका करेक्शन भी पता चल जाएगा कि क्या समस्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई कि कैसे आपको करेक्शन चेक करना है, और करेक्शन आता है तो उसका निवारण क्या करना है आपको। अब मान लिया आपको ये पता चल गया कि आपका एनरोलमेंट और रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा लिख के आ रहा रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, आपको पुनः से मैंने जैसा बताया कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ओपन करना है और अपना फॉर्म फिर से खोलना है। खोल के आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है सही सही। अब दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट का जो नागर रिजल्ट आ गया है आपका, तो दोनों सेमेस्टर का आपको नंबर जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ के फिर से लिखना है, लिख के फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि आपको जो सेमेस्टर आपने एक भरा था, एक नहीं भरा था, या रिजल्ट आपका नहीं आया था उस समय फॉर्म भरते समय, अब रिजल्ट आ गया है, तो दोस्तों यही अपडेट करना है आपको। आपको स्कॉलरशिप का जो पिछली कक्षा का विवरण है, डिटेल है, नंबर है, वही अपडेट करना है।
अब चलिए, अब मान लेते हैं कि आपने दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़ के भर दिए और सबमिट कर दिए, तब क्या करना है उसके बाद? अब उसके बाद उसका प्रिंट आउट फाइनल निकाल लीजिए और अपने कॉलेज, महाविद्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करना है। जमा क्या क्या करना है आपको बता दें, फाइनल प्रिंट आउट है और आपको वर्तमान स्टेटस अगर निकल रहा है दोस्तों तो लगा दीजिए, नहीं निकल रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी जमा कर सकते हैं। और एक प्रार्थना पत्र आपको देना है, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है, और जो समस्या थी आपकी, आपकी समस्या क्या थी, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, ये समस्या थी। तो ये समस्या है दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट, आपको दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट भी लगाना है फॉर्म के साथ। ये सारा काम करके आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें, आपका 100% जो करेक्शन में आया है आप करेक्शन आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा पेपर देना है वो मैं आगे आपको दिखा भी देता हूं कि कौन कौन सा पेपर आपको देना है। रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स जब फॉर्म भरते हैं तो जल्दबाजी में या भूलवश अपना एनरोलमेंट नंबर भी नहीं लिखते हैं, इस वजह से भी ये समस्या लिख के आती है। दोस्तों आपको एनरोलमेंट नंबर भी बहुत सावधानी से और सही से भरना है, क्योंकि जब तक आप एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखेंगे आपका रिजल्ट जो है समाज कल्याण विभाग का जो वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, वो चेक नहीं कर पाता है। एनरोलमेंट नंबर से ही आपका रिजल्ट चेक होता है। आपको अपने कॉलेज में ये फाइनल प्रिंट आउट जमा करना है, आपको फाइनल प्रिंट आउट दिखाई दे रहा होगा, ये 3 पेज का होता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और आपको देना है स्टेटस की कॉपी, यदि निकल रहा हो तो दीजिए, नहीं निकल रहा है तो भी आप जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको देना है दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट, यहाँ पे आपको मार्कशीट दिखाई दे रहा होगा, आपको अपना दोनों सेमेस्टर का मार्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के भी जमा करना है, ये आपको मैंने दिखा दिया, डुप्लीकेट कॉपी था। और आपको एक प्रार्थना पत्र लिख के देना है कॉलेज में, आपके सामने प्रार्थना पत्र खुल चुका है, ऐसे ही आपको अपने बारे में लिखना है, ये मैंने अपने बारे में लिखा है ताकि आप इसको देख के आसानी से एक एप्लीकेशन लिख सकें। तो हम पढ़ते हैं और आप इसको देख के आप लिख लीजिएगा एप्लीकेशन। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, अपोजिट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, शहीद पथ, रायबरेली रोड, लखनऊ। विषय स्कॉलरशिप आवेदन फॉर्म में आए हुए करेक्शन को ठीक कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी जुगनू प्रसाद बिंद, श्री सूर्यलाल बिंद, आपके कॉलेज आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन किया है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में एनरोलमेंट ऑब्लिक रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा करेक्शन दिखा रहा है। मैंने ऑनलाइन करेक्शन संशोधन करके अपना एनरोलमेंट नंबर और दोनों सेमेस्टर गत वर्ष का रिजल्ट का नंबर जोड़कर लिख दिया है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है, यदि पहले से भरे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भरे हैं छूट गया था तो फिर से भर दें, और आपको यहाँ पे दोनों सेमेस्टर का नंबर जोड़ के निकला है। और फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर कॉलेज में पूरा डॉक्यूमेंट लगाकर जमा कर रहा हूँ। अतः श्रीमान जी से मेरा नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आया हुआ करेक्शन संशोधन संदेहास्पदा डाटा को सही कराने की कृपा करें जिससे मेरा स्कॉलरशिप आ जाए। प्रार्थी, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कोर्स लिखना है, जात लिखना है, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखना है, इतना पूरा काम करके आपको कॉलेज में जमा करना है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।